नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है। देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का
एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमई के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए